अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सो आज मैं आलू टिक्की चाट बना रही हूँ, तो उसका मसाला है ये है सौंफ, काली मिर्च और जीरा, जो कि भुनना है उसके बाद पीसेंगे। और मैं बना रही हूँ अब उसके लिए ग्रीन चटनी चाट के लिए से, तो मैंने ले ली हूँ धनिया पत्ती और मिंट, कुछ मिंट लीफ ले ली हूँ और ग्रीन चिली सॉल्ट डाल रही हूँ। तो ये हमको बनाना है ग्रीन चटनी। तो अब इसमें एक चीज़ और डालेगा, जो आलू भुजिया सेव आता है ना, वही डालना है। सादा वाला सेव आता है वो बिल्कुल ना डाले, कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन आप जो आलू भुजिया सेव डालेंगे ना इस चटनी में, तो अमेजिंग सा टेस्ट आएगा, बिल्कुल मार्केट की तरह, और कलर भी बहुत अच्छा दिखेगा, ग्रीन ग्रीन सुंदर सा। तो ये बन रही है हमारी आलू चाट की। अभी तो इस वीडियो में मैं आलू चाट टिक्की बनाना सिखाऊंगी कैसे बनाती हूँ। सो ये देखिए, ग्रीन चटनी बनके फाइनली रेडी हो चुकी है और बहुत टेस्टी रहती है, चाट में आप डाल सकते हैं ये। और अब मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने जो सौंफ, काली मिर्च और जीरा जो लिया था, उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। उसको ऐसा हल्का सा दरदरा कूटना है, उसको पीसना बिल्कुल नहीं है। और फिर हम इमली की चटनी बनाते हैं उससे, उस मसाले को डाल के। बट मेरे पास ऑलरेडी रेडी थी इमली की चटनी, तो मैंने नहीं बनाई, वो मसाला कूट के रख दी मैंने। ये देखिए देखिए, फाइनली ग्रीन चटनी बन के रेडी हो चुकी है। ये थोड़ी सी पतली हो गई थी, ये हल्का सा आप थिक भी रख सकते हैं। और ये वही मसाला है जो कि काली मिर्च, सौंफ और जीरा मैंने कूट के इस तरीके से रखी। फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरे पास तो ऑलरेडी मार्केट की रेडी इमली की चटनी, तो मैंने फिर ये मसाले को रख दिया है। किसी और दिन मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैं एकदम खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाती हूँ चाट के लिए। तो अब मैंने ये आलू ले ली हूँ, 7 से 8 आलू ले ली हूँ। आप जितने लोग हैं जिस क्वांटिटी उस तरीके से करें। और इसको मेस नॉर्मली नहीं हाथ से करना है इसको, या फिर कोरनी से कोरना है, या तो आप चाकू से बारीक बारीक, या जैसे भी करना हो, बट इसको ऐसे मिक्स डायरेक्ट नहीं करना है। उससे ना बहुत अच्छा टेक्सचर आता है, दरदरा सा रहता है एकदम। आप मेस कर देते हैं पूरा हाथ से, वो मज़ा नहीं आता टिक्की में। तो अब मैंने डाली हूँ 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं जैसे बता रही हूँ आप बिल्कुल सेम बनाएंगे, बहुत टेस्टी टिक्की बनेंगी। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली डाल दी हूँ, कुछ चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ये जीरा डाल दिया है इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ भुना जीरा कुटा हुआ, 1 चम्मच डाल दी हूँ, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने ये डाल दी हूँ भुना हुआ जीरा। अब मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, ये मसाले भी इसमें लगेंगे तभी टिक्की बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है चावल का आटा। ये जो मैं डाल रही हूँ, ये 3 से 4 टीस्पून मैंने चावल का आटा डाली हूँ, और ये कॉर्नफ्लोर 2 टीस्पून डालूंगी। चावल का आटा हम इसलिए डालते हैं कि थोड़ा क्रिस्पी बने और सॉफ्ट बने, खाने में बहुत मज़ा आता है। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला, ये देखिए ये वाला चाट मसाला डाली हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं। आप देख रहे हैं जितनी क्वांटिटी हो, जिस तरीके से बता रही हूँ सेम डालेंगे, बहुत टेस्टी टिक्की बनेंगी एकदम मार्केट की तरह। इसमें मैंने सॉल्ट डाल लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। इसमें आप कुछ नहीं डालना, आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला, चाट मसाला वही काम करता है। बट इससे जो टिक्कियाँ बनेंगी बहुत टेस्टी अमेजिंग सी बनेंगी। ये थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर ली थी मैंने। अब हम चलिए टिक्कियाँ बनाते हैं इसकी। और टिक्की जो बना रहे हैं हम, वो मोटी मोटी बड़ी सी बनेंगी, इसमें छोटी पतली नहीं बनाना होता है। आलू चाट का वही मज़ा है कि ये देखिए, मैं जितना डो ली हूँ ना, इसी तरीके से डो लेना है, और इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ आप बिल्कुल सेम वैसे ही बनाइए। इसको कोरनी से ही कोर के बनाइएगा बॉयल आलू को, हाथ से मेस मत करिएगा, वो टेक्सचर वो टेस्ट नहीं आएगा। इससे क्या होता है, एक अलग ही टेस्ट आता है दरदरा सा मुंह में, और चावल के आटे से तो फिर एक सॉफ्टनेस आ जाती, क्रिस्पी पन आ जाता है उसमें, जो आज ब्रेड क्रम्स, कई लोग इसमें ब्रेड क्रम्स भी डालते हैं, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं क्रिस्पी पन लाने के लिए से आलू टिक्की में।
जैसे ऊपर से रहता है क्रिस्पी, इस तरीके से मैं सारी टिक्कियां बनाऊंगी। तो इस वीडियो में मैंने टिक्कियां बनाने की फुल रेसिपी दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे का और चाट जो पूरा बनता है प्रोसेस से सब कुछ आगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग हो जाते हैं तो मैं ये शॉर्ट कर करके डाल देती हूँ वीडियो। तो आप अगर फुल चाट की रेसिपी देखना चाहते हैं तो 2 से 3 वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आप जब बनाएंगी तो घर में सभी को बहुत पसंद आएगा। ये होममेड है, मतलब घर से बनाई हुई चीज़ें साफ़ सुथरी, और वही इतना अमेजिंग टेस्ट रहता है इसका चाट का कि जब इन लोग ने खाए तो इतना तारीफ़ की बिल्कुल मार्केट की तरह लग रहा था। और इमली की चटनी तो ऑलरेडी रेडी थी तो मैंने नहीं बनाया, नहीं तो वो भी मैं खट्टी मीठी खुद बनाती हूँ कॉर्नफ्लोर वगैरह से। और जो मसाला मैंने सौंफ जीरा और काली मिर्च का उसको डाल के, अब मैंने पैन रख दी हूँ तो एक साइड रखी हूँ, चने बघारूंगी मैं उसमें, जो मटर बघारूंगी। और नॉन स्टिकी पैन है, इसमें मैं ये सारी टिक्कियाँ रख देती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम में हमको इनको हल्का सा ऑयल मैंने ग्रीस कर दिया है और लो फ्लेम में इसको इन लोग को बिल्कुल पकाना है, ब्राउन होने क्रिस्पी होने तक पकाना है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं, जलाना नहीं है। और साइड वाला जो पैन रखी हूँ उसमें मैं बघार रही हूँ मटर के जो उसमें रहता है मसाला, मटर का मसाला चाट में वो बनाने जा रही हूँ ग्रेवी। तो ये तो अब मैं अभी थोड़ा सा ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मटर का मसाला मैं कैसे रेडी करती हूँ पूरा दिखेगा आपको। और इसमें मीठा दही तो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे आप घर में भी बना सकते हैं। और नायमा मेरे साथ मस्ती कर रही थी विंडो से, इधर से मम्मी देखो मैं क्या कर रही हूँ, मम्मी देखो ऐसे, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था। चाट बन रहे थे तो इन लोग इतना ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने चने मटर को बॉयल कर लिया है अच्छे से, मैंने रात भर भिगोया है, उसके बाद बॉयल कर दी हूँ इस तरीके से। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाली हूँ और मैंने डाली हूँ जीरा, मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। और इसमें मेन क्या रहता है, लहसुन। जब आप मटर बनाते हैं मटर मसाला तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है लहसुन। लहसुन की जो खुशबू आती है बहुत टेस्टी रहती है। सो इसका आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये देखिए मटर जो कि रेडी हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।